गाइस कितना मजा आ रहा है देखने में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो ये कटोरी में क्या पकड़ा है मैंने? मैंने इसमें डाला है नेचुरल हल्दी, यानी कि अपने घर के खेत की हल्दी, और इसमें बेसन डाला है। आज मेरा मन नहीं किया कि मैं फेस वॉश से फेस वॉश करूं, और थोड़ा सा ना चेहरा अजीब अजीब सा हो रहा है, ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है, इससे फेस वॉश करूंगी आज। और बहुत दिन करती हूं मैं इससे, पहले बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करती थी हल्दी बेसन, और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल के और भी बहुत कुछ डालती थी, गुलाब जल डाल के। जैसे गुलाब जल भी इसमें ऐड कर सकते हैं हम, और इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज किचन में बन रहे हैं आलू के पराठे। आलू मैंने उबाल दिए हैं, और यहाँ पर आटा गूंथ के रख लिया है, और बाबू ले ही क्लास, काना की आज क्लास नहीं होती है। तो अभी जा रहे हैं हम सब्जी मंडी, और बहुत दिन से अपनी सब्जी मंडी नहीं गए हैं हम, तो आप लोगों को भी ले चलते हैं अपने साथ सब्जी मंडी। तो बाबू थैला पकड़ो, थैला भी पकड़ो, मास्क भी पकड़ो, और मेरा पर्स ले लो, मेरा पर्स ले लो। तो चलिए, आज मैं बहुत दिन बाद मंडी जा रही हूँ। वैसे दूसरी मंडी जाती हूँ इधर जो सोम बाजार लगता है, लेकिन यहाँ बहुत दिन बाद जा रही हूँ, जहाँ जो मेन मंडी है, मतलब थोड़ा ठीक ठाक मिल जाती है सब्जी। गाइस रात बहुत हो गई है, बहुत क्या, 6:10 हो गया है। तो गाइस हम निकल चुके हैं, पहुंच चुके हैं मंडी में, और यहां से मंडी शुरू हो जाती है। आज भीड़ कुछ ज्यादा नहीं है, इधर भी सब्जी लगी होती है और इधर भी सब्जी लगी होती है, लेकिन हम जाएंगे थोड़ा सा आगे। फ्रेंड्स मैं यहां से अपने बालों के लिए ले रही हूं सिकाकाई और सतरीठा, और यहाँ पर सारा कुछ मिल जाता है। तो ये लगे हुए हैं 150 के पैजामे, और गर्म है, पैजामे भी लगी हुई हैं और स्वेटर्स भी लगे हुए हैं, और अच्छे रहते हैं आजकल के लिए। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, लेकिन लिया नहीं मैंने कुछ भी, और अच्छे अच्छे थे, क्वालिटी सही होती है इनकी, अच्छी होती है, ख़राब भी नहीं होती थी। हमारे घर के पास में ना दो मार्केट लगते हैं, एक इधर को एक इधर को। तो ये वाला जो मार्केट है ये सस्ता है, तो यहाँ पर ये 250 रुपये की कुर्ती मिल रही थी, जहाँ पर कि दूसरे मार्केट में यही कुर्ती 350 रुपये की। आलू कैसे दिए? 2 किलो 50। और ये गाजर कैसे? तो ये लाल लाल गाजर भी आ गए हैं मार्केट में, और हलवा शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ गाजर का। ये वाला कर लो, हरा थोड़ा सा। माँ ये क्या है? चुकंदर कितना करूँ?
टमाटर क्या है? टमाटर हेलो भाई मैडम चुके हैं सब्जी मंडी से और सब्जी मंडी से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मेरे को मिली अभी। तो ना हम मंडी में खड़े थे और मैं ले रही थी बाबू के लिए जलेबी, क्योंकि उसको जलेबी बहुत पसंद है, और मीठा ले रहे थे हम, मिठाई ले रहे थे। तो मंडी में ना हमारे एक सब्सक्राइबर पीछे से आए वो, और उन्होंने कहा कि आप वीडियो बनाते हो ना, तो मैंने कहा हाँ, तो आपकी वृंदावन वाले रिदिमाज ड्रीम एंड लाइफ स्टाइल वाला उन्होंने चैनल देखा है मेरा, और मैं हाँ भी रही हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, थैंक गॉड मेरी फर्स्ट सब्सक्राइबर मेरे से मिली। वैसे एम्बेंस मॉल में भी मेरी एक दो सब्सक्राइबर मिली मॉल में ही, जो लड़कियां होती है ना, और उन्होंने भी कहा कि हमने ना दीदी आपकी ना परिक्रमा वाली वीडियो देखी थी, तो मुझे बहुत खुशी मिली। वो दिल्ली के कड़काडोमा कोर्ट में ना एडवोकेट थी, मुझे इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी। मैंने कहा आपको मेरी वीडियो पसंद आती है? कहती है बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा, आपका गाना भी बहुत अच्छा लगता है और आप भी अच्छे लगते हो, आपकी रिधिमा भी अच्छी लगती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बस आप जैसे अच्छे लोगों का साथ चाहिए मुझे, और इससे अच्छा, इससे बढ़िया मेरे लिए क्या हो सकता है, और इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। आपके प्यार में और आपकी प्रार्थनाओं में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है ना, कि वो ताकत मुझे वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर देती है, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाती रहूंगी और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाती, चाहे मैं आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ वो ईश्वर पर है और मेरी मेहनत पर है, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं में और आपके प्यार में इतनी ताकत है ना। आप मुझे जब मोटिवेट करते हो कि दीदी आप ऐसे ही खुश रहा करो, ऐसे मुझे बहुत खुशी आती है, बहुत खुशी आती है मुझे। और काश ऐसा होता ना कि मैं एक एक सब्सक्राइबर से मिल पाती। अरे बाबू अपने लिए ना यही जलेबी ले रहे थे हम, इसने कहा कि मम्मी मेरा मन कर रहा है जलेबी खाने का, तो हम वहाँ पे खड़े हो रखे थे। ये इसपे वो है, चीनी है इसपे, ये मीठा है, यहाँ पे चीटियां लग जाएंगी। और हमारे यहाँ जब जलेबी बनती थी ना मेला में, उसमें तो वो दूसरी जलेबी बनती है, उनमें कलर डालते हैं, वैसे कलर नहीं डालना चाहिए, यही सही होती है। तो आप लोग भी खा लीजिए, आप लोगों के लिए भी है, और फ्रेंड्स खा लीजिए, बोलो खाना फ्रेंड्स, आप भी खा लो, मेरे हाथ से खा लीजिए। गाइज आप लोगों को ऐसा दिन आए, काश ऐसा दिन भी आए, बोलना भगवान से प्रार्थना करो कि हम अपने सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को खिला पाए, है ना। तो ये है धनिया, और धनिया 10 रुपए पाव, धनिया सस्ता हो रखा है, थोड़ी सी सब्जी में ना रिलैक्सेबल हुआ मेरे को। ये है टमाटर आधी किलो, बहुत महंगी हो रखी है ये, तो मैंने आधी किलो ली, 60 रुपए किलो टमाटर हो रखे हैं, हो रखे हैं 80 रुपए किलो, ना 60 रुपए किलो सॉरी। तो ये 30 रुपए की मैं आधी किलो लाई, मेरे बस का 60 रुपए किलो नहीं था। पहाड़ी आलू है, मतलब नए आलू जिनको बोलते हैं, नए आलू हाँ। और सुनो, और एक ये पहाड़ी पालक है, ये हमारे गढ़वाल उत्तराखंड, मतलब हमारे उत्तराखंड में होता है ये, जो यहाँ वाला पालक होता है ना, शहर वाला पालक जो होता है, जो मिलता है आम पालक, तो वो हमारे गांव में नहीं होता, ये हमारे गांव में होता है, हम इसी को खाते हैं, और ये यही अच्छा होता है, पता यही अच्छा माना जाता है, ये वाला पालक महंगा भी मिलता है। एंड ये लाई मैं आधी किलो से थोड़ी सी ज्यादा है हरी प्याज, और बहुत अच्छी है प्याज, तो ये लाई मैं कितने के, 45 रुपीज के, है ना, 60 रुपए के बंदे थे लेकिन 15 रुपए मैंने कम कराए। यस, इसे इन्हें कहते हैं लेडी। 20 रुपए किलो मूली है, मूली अच्छी है, पत्ते भी अच्छे हैं, इनकी मैं भुजी बनाऊंगी, इनको फेंकूंगी नहीं।
है गोभी आधी किलो, और ये है गाजर। तो गाजर मिल रही थी 40 रुपए, है ना, 20 रुपए। ये मम्मा 20 रुपए की लाई है, ये 20 रुपए की है। ये छीमी है 20 रुपए की, सेम भी अब मिलने लग गई है, सही अच्छी मिलने लग गई है। और ये है अदरक आधा किलो, कितने का, 30 का शायद। आज हमें शायद इसलिए सस्ता 20 सस्ता लिया आज, थोड़ी सी सब्जी मेरे लिए क्योंकि आज सैटरडे है। ये है सतरीठा और सिकाकाई, जो कि मेरे बालों के लिए लाई हूँ मैं। बालों के लिए मतलब मेहंदी लगाएंगे। अभी क्या है इसमें, और हाँ ये आधी किलो लहसुन है। एंड हाय पापा, आज हम बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि आज हमारी एक सब्सक्राइबर हमें मिली। आप भी खुश हो? सीधा।